सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में युवाओं के प्रति देशभक्ति की भावना जगाने और बॉर्डर पर तैनात जवानों को त्याग का पाठ युवाओं को पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लागू किया गया। लेकिन अब अग्निपथ योजना की आग देश से लेकर प्रदेश तक फैलती हुई नजर आ रही है। सार्वजनिक स्थानों पर तोड़फोड़, सड़कों पर आगजनी, आज भी प्रदेश इस हिंसा का गवाह बना हुआ है। और आज का जो हमारा चर्चा है वो इसी मुद्दे पर है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या कुछ खास है और क्या वजह है कि सरकार अभी तक सक्षम नहीं हो पा रही है इस योजना को समझाने में। हम अपने चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ का बवाल, कौन जिम्मेदार? गुस्से में नौजवान, प्रदर्शन जोरदार। आंदोलनकारी छात्रों ने की जगह जगह आगजनी। कई शहरों में बसों और ट्रेनों को किया आग के हवाले। बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों के लिए सीटें होंगी आरक्षित। क्या है अग्निवीरों की महत्वाकांक्षाएं? आखिर अग्निवीरों को क्यों रास नहीं आई योजना? 4 साल बाद अग्निवीरों का कैसा होगा भविष्य? आगजनी, गोलेबारी, पत्थरबाजी, क्या इन्हीं युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है? जो खुलेआम देश में उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी युवा सेना में भर्ती होने का सपना लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं। सैनिक जब भी जिक्र होता है, देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनका बलिदान और त्याग की बदौलत ही आज हम सुरक्षित होकर अपने घरों में त्योहार मनाते हैं। लेकिन देश में एक बार फिर प्रदर्शन की मार झेल रहा है। बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अभी थमी नहीं थी, अब एक और प्रदर्शन से देश को गुजरना पड़ रहा है। दरअसल सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना का यूपी, बिहार और राजस्थान में व्यापक विरोध शुरू हो रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल कोविड के चलते सेना की बहाली पर भी असर पड़ा था। पिछले 2 साल से भी भर्तियां नहीं हो पाई थी और कुछ के परिणाम लंबित थे। इस बीच सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया और सभी पुरानी भर्तियों को इसी नई योजना के दायरे में करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को गहरी निराशा हुई जिनकी उम्र सीमा अब खत्म हो चुकी है या लगभग खत्म होनी है। अधिकांश छात्र पुरानी भर्तियों के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, यही वजह है कि वो सरकार की इस नई स्कीम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के तहत इस वर्ष 46,000 युवाओं की सेना में शामिल किया जाएगा। योजना के मुताबिक भर्ती संविधा के आधार पर होगी, जिसकी समय सीमा 6 वर्ष के लिए होगी। उम्मीदवारों की उम्र 17 से 21 वर्ष होगी। हालांकि भर्ती हुए 25% युवाओं को 4 साल के बाद भी सेना में रखा जाएगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में भर्तियों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह की शंकाओं के कारण देश के विभिन्न राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतर गए हैं और विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। अब इस नीति पर सरकार का फैसला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जब इस प्रदर्शन की आग और भड़कने लगी तो
10% आरक्षण भी दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल आज की चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। केसी जैन साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, नितेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रांत पांडे जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। केसी जैन साहब, सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है वो बिहार से आ रही है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिर सरकार कहां विफल नजर आ रही है युवाओं को इस योजना के बारे में समझाने में? ये घोषणा के बाद एकाएक प्रदर्शन हुआ, फिर इसमें जिस प्रकार से राजनीतिक दलों की भागीदारी दिखाई दे रही है, कई जगहों पे ये भी देखने को मिला कि तमाम सारे विकलांग लोग जो कि सेना में नहीं जा सकते हैं वो लोग भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो लोग भी आगे नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी ट्रेन जला रहे हैं, तो उनसे इस भर्ती से क्या वास्ता है, ये भी एक जाँच का विषय है, ये भी जाँच के दायरे में सब चीज़ें भी आएंगी। और मैं आपको बताऊं तुशला जी, देखिए जो नौजवान 17 साल से 21 साल की एज में हैं जिनको इसमें 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट दिया जाएगा, तो ऐसे कितने लोग हैं जो 22 साल 17 साल में अगर 4 साल काम करते हैं और उसमें से हर 4 में से एक व्यक्ति को परमानेंट तो जॉब सेना में मिल ही रही है। सेना में भी वैसे ही 15 साल के लिए भर्ती होती है, इसमें 4 साल के लिए, 5 साल के लिए भर्ती, 10 साल का डिफरेंस जरूर है, लेकिन क्या है कि जो उनको फंड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, एक अच्छी सैलरी मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है, फिर हमारे देश को हमारी सेना को बिल्कुल नौजवान सैनिक मिलेंगे और साथ ही साथ वो जब बाहर आएंगे, मान लो उनमें 4 में से एक लोगों को नहीं मिल पाई जॉब, तो 4 में से 3 लोगों को जो बाहर आएंगे उनको पहले से ही सरकार ने कहा है कि इनको सबको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, वो चाहे सिविल डिफेंस में हो, पुलिस भर्ती में हो या CRPF में हो या जो है और जो हमारे सैन्य बल है उनमें भर्ती हो, क्योंकि ये ट्रेंड होंगे, 4 साल में सारे असलहे चलाना जानते होंगे, साथ ही साथ अनुशासन का पाठ और तमाम सारी गोपनीय चीजें भी इनको सेना में प्रशिक्षण में जो मिलेंगी, ये सारी चीजें इनको अन्य भर्तियों में भी काम आएंगी, कि दौड़ में और तमाम सारी फिटनेस भी इनके अंदर होगी, और साथ ही साथ जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो इनको इनकी पढ़ाई भी जारी रहेगी एक तरीके से, और जो हाईस्कूल पास करके जा रहे हैं उनको इंटर की और जो इंटर पास करके जा रहे हैं उनको ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाएगी, तो ऐसे में इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई पढ़ाई में रोक नहीं है, साथ ही साथ 4 साल के बाद इनका जो व्यक्तित्व है और ज्यादा निखर करके आएगा और ज्यादा चीजों में इनको लाभ भी मिलेगा। आप देखिए जो बच्चे PCS सेलेक्ट हो जाते हैं वो बाद में IAS भी निकाल लेते, जॉब करते करते वो फिर IAS की तैयारी करते IAS निकाल लेते हैं, और तमाम सारे छोटी जॉब करने के बाद में फिर PCS निकाल लेते हैं। जॉब में फर्क है, जनरली जो आर्म फोर्स में बच्चे जाते हैं केसी जैन जी वो गरीब घर के बच्चे होते हैं, गांव के और किसानों के बच्चे जाते हैं। देखिए पिछला जी जो मैं भी वही बात कह रहा हूँ, आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ। देखिए जिस नौजवान ने, जिस बच्चे ने सोच लिया कि हमें राष्ट्र सेवा में जाना है, जिसने सोच लिया कि हमें डिफेंस में जाना है, हमें सेना में भर्ती होना है, राष्ट्र सेवा करनी है और तमाम सारे क्षेत्र हैं नौकरी के, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने सेना को चुना है, जिस व्यक्ति ने राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिज्ञा ली है, उसके लिए फिर आगजनी करना, पत्थरबाजी करना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये चीजें तो कहीं पे भी दोनों एक दूसरे की पूरक हो ही नहीं सकती हैं। और ये चीजें कि जिसने सोच लिया सेना में जाना है वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए सेना में नहीं जाता है, जिसने सेना में सोच लिया वो आजीवन सेना के लिए त्याग बलिदान के लिए तैयार रहता है, जिसको इंजीनियरिंग करनी है वो फिर इंजीनियरिंग करेगा ना, वो सेना में जाएगा ही नहीं। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो एक तरीके का क्राइटेरिया बनाया जा रहा है, एक तरीके का माहौल लगातार बनाया जा रहा है, तो इससे हमारे जो नौजवान है इससे भ्रमित हो रहे हैं। अब तो सरकार ने ये भी कह दिया कि 10% आरक्षण होगा, 10% पूरे देश में अगर इस तरीके की भर्ती में आरक्षण होगा, 40,000 जवान उसमें भर्ती होंगे, 10,000 सेलेक्ट हो जाएंगे, 30,000 को पूरे देश में सेलेक्ट करना है, 30,000 तो एक स्टेट में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो 30,000 को अगर पूरे देश में सेलेक्ट करना है और 10% उनका रिजर्वेशन रहेगा, उसमें तो सबको जॉब मिल ही जानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विक्रांत पांडे जी जुड़े हैं। विक्रांत जी, इस पूरी योजना को किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह से युवाओं का आरोप है कि पहले से जो भर्ती है वो लंबित है, पहले कई भर्तियों के रिजल्ट नहीं आए हैं, 2 साल से कोरोना काल के चलते भर्ती नहीं हुई, युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसको पूरा आप देखते हैं और किस तरह से ये युवाओं के हित में है?
हो रहे हैं, जो भी दिखाई दे रही हैं, ये चीजें स्पॉन्टेनियस हैं, इतनी जल्दी नहीं हो सकती हैं। ये सारी घटनाएं जो भी दिख रही हैं आपको, ये राजनीति से प्रेरित हैं। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये अलग मुद्दा है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज टीम एक बार भी नहीं उठ सकती है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के सरकार को वैसे ही घेर रही है जैसे कभी जयप्रकाश नारायण जी कभी इंदिरा गांधी जी को घेर रहे थे। आज की डेट में जो भी सरकार ने इस योजना को ले आई है, किसी भी चीज को जब कोई नई चीज लाई जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट होने दो, उसके बाद उसमें कुछ कमियां भी रहती है, कुछ अच्छा और अच्छाइयां भी रहती है। जो कमियां होंगी वो वक्त के साथ सुधारी जाएंगी। कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। मैं ये कहना चाहूंगा, युवाओं ने जो अपनी बात को रखा है, कहने का जो तरीका है, हर स्टेप को उन्होंने फॉलो किया है, इसमें चाहिए सरकार को बच्चों की बातों को समझ करके इस चीज को कायदे से या तो विपक्ष के साथ मिलकर के इसको सुलह करे, अन्यथा जो है इस आंदोलन का दमन करे। इसके अलावा बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। जी बिल्कुल नितेंद्र यादव जी, जिस तरह से ये योजना आने के बाद जो देश का युवा है, देश का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है, वो रोडों पर आ गया है, वो सड़कों पर आ गया, आगजनी की जा रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है, किस तरह से आप पूरे वाक्या को देखते हैं? सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी देश की है नौजवान, उसको इस समय अक्षम किया गया है मुद्दों से ध्यान भटकाते हुए। और इस योजना का नाम जिस तरीके से इन्होंने अग्निपथ और अग्निवीर रखा है, ये अग्निपथ नहीं है, ये सूलपथ है, ये देश की राह में कांटे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया और देश की सुरक्षा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ करने का काम मोदी सरकार करने जा रही है, इससे आने वाला समय और नौजवानों का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। और जिसका रोष आज नौजवानों का दिखाई पड़ रहा है सड़कों पर, आप देख रहे हैं कि ये नौजवान क्या कहलाएंगे जो 4 साल से लगातार भर्ती की तैयारी करके बैठे हुए थे, जिन नौजवानों ने परीक्षा दी, जिन नौजवानों ने अपना मेडिकल कराया, जो नौजवान एक तरीके से भर्ती हो चुके थे, उनका रिजल्ट आना रह गया था, आज 4 साल तक इंतजार करते रहे, आज उनकी भर्तियों के एक तरीके से रद्द कर दिया गया है। और आज आपको जो 28 जो 25 साल 20 साल की नौकरी में आने वाले थे, जिन्होंने भविष्य के सपने बुन रखे थे, आज आपने उनके सपनों को छोड़ दिया और नए सिरे से आज एक भर्ती देने जा रहे हैं जिसको आप 4 साल कह रहे हैं। 4 साल में मात्र 2.5 साल की इनकी नौकरी होगी, क्योंकि 1 साल तो सबकी सेना में जैसा नियम है कि साल में 3 माह की छुट्टी होती है, तो 4 साल में 1 साल तो सेना का छुट्टी में बीत गया, 6 महीने एक ट्रेनिंग करेंगे, 2.5 साल की सर्विस करने के बाद ये जब लौट के आएंगे, आगे इनको हम क्या दे जाएंगे, इनको हम कहाँ जॉब देंगे? और ये आने वाले समय में धीरे धीरे जो अस्थायी सेना हो जाएगी हमारी, 4 साल की सेना होगी भाई, प्रतिवर्ष हमारे 40 से 50 हजार नौजवान जाएंगे और हर तीसरे साल के बाद में एक क्रमशः वापसी होगी जो 75% और 25% स्थायी होंगे, और वो भी 25% जो स्थायी होंगे उनको अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है ये कितने समय के लिए और आगे से स्थायी होंगे, क्योंकि जो 25% हमारे स्थायी किए जा रहे हैं उनकी कोई समय सीमा भी नहीं बताई, उनको आगे 10 साल के लिए स्थायी करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, 15 साल के लिए करेंगे, उनकी रैंकिंग, ये जो सेना के जो हमारे अग्निवीर जिनको कह रहे हैं ये जो वापस आएंगे ये तो ना तो पूर्व सैनिक कहलाएंगे, ना तो इनके पास पूर्व सैनिक का कोई कोटा होगा, ना इनको कोई एक सर्विसमैन की कैंटीन सुविधा होगी, ना इनके सामने कोई मेडिकल फैसिलिटी होगी, आखिर ये करेंगे क्या? और इसी तरीके से लगातार आप अस्थिरता की तरफ देश को ले जाएंगे। और जब नौजवान अपने पूरे जोशों खरोश के 25 साल के बाद जब नौजवान 25 से 35 साल तक पूरी जवानी में होता है, पूरा होश होता है, पूरा देश सेवा के प्रति समर्पण होता है, जब 18 से 20 साल 25 साल का व्यक्ति को इमेच्योर कहलाता है, वो 25 से 35 साल के बीच में इमेच्योर होता है, आप 25 साल से 2 साल में जब वो ट्रेनिंग में बैठता है और ट्रेनिंग के बाद वो मेच्योर होता है, सोचे समझने की क्षमता होती है, सही डिसीजन ले सकता है देश सेवा के प्रति, आप उस
उसको घर भेज देंगे और एक इमेच्योर लड़के जो दो साल ढाई साल ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं, ये कितने तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे? ये देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। जब पूरे दुनिया में भारत के साथ पड़ोसी देशों से दुश्मनी है, आज चाइना हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठा है, हमला करने को तैयार बैठा है। आज उस समय देश को अस्थिर करना ये मोदी सरकार के निश्चित रूप से अदूरदर्शिता है। मोदी सरकार का पूरी तरीके से ये फेलोर प्लान है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि आप किसी अन्य मुद्दों में भले कटौती कर दीजिए, लेकिन सेना और शिक्षा ये दो ऐसे मन है जिनके साथ आप खिलवाड़ मत करिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर देश अस्थिर हो गया, देश टूट गया, तो आने वाले समय में देश को संभालना बहुत कठिन काम हो जाएगा। शुक्ला जी, मेरे भाजपा के प्रवक्ता और अपने साथियों से कह रहा है कि ये भगवान तद्बुद्धि दे इस केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को, देश की रीढ़ नौजवान, देश की रीढ़ किसान, नितिन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी इसके बारे में। पहले मैं सर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं, हम उनसे जान ले, सेनाओं को इन अग्निवीरों की जो अग्निपथ योजना, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्या इसके बारे में आप हमें समझाएंगे? बिल्कुल, सेना को अग्निवीरों को इसलिए इसको डेवलप किया गया है, भर्ती प्रक्रिया को इसलिए डेवलप किया गया है, ज्यादा है देश को जो है हर विभागों में जो है डिफेंस से ट्रेंड बंदे भेजे जाए जी। जो हमारी रेगुलर आर्मी की संख्या 12.5 लाख है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, उसकी पूर्ति की जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे इसमें से 25% रेगुलर आर्मी में कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे रेगुलर आर्मी की स्ट्रेंथ अधूरी अथवा कम नहीं होगी। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि 4 साल बाद जो आगे सर्विस में परमानेंट किए जाएंगे वह कहाँ जाएंगे, वह हमारी रेगुलर आर्मी का हिस्सा बनेंगे और आगे जैसे भारतीय सेना की सर्विस होती है उस तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। जो सम्मानित अग्निवीर 75% बाहर किए जाएंगे उनको रोजगार देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, राज्य पुलिस बल में, पुलिस बल में, इन स्थानों पर जो है आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इनको जो है तमाम जगह बाध्यता दे करके वहाँ इनको रोजगार मुहैया होगा जी। इस तरीके से जो है हमारे देश में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हमारे देश की सेना की स्ट्रेंथ 40 लाख अपने आप बढ़ जाएगी जी। 4 साल बाद लेकिन विक्रांत आवश्यकता पड़ी आपातकाल की स्थिति में 40 लाख जो सिविल से प्लस 10 लाख हमारे रेगुलर आर्मी 40 से 50 लाख की फौज हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार मिलेगी। ये बिना किसी एक्स्ट्रा बजट के ये देश की सेना ने अपने आप को इस तरीके से मॉडर्नाइज करने का एक प्रयास किया है, जिसमें गुजारिश करूंगा देश की अन्य पॉलिटिकल पार्टियों से और छात्र नेताओं से जो भी इस चीज को समझ रहे हैं इसको लोगों के बीच में सही तरीके से प्रस्तुत करें। हमारे चीजों को विफलता इसलिए हाथ लग रही है क्योंकि इस चीज को ये समझाने में असफल रहे हैं काफी हद तक, इसलिए ये बच्चे जो है आंदोलन का रुख अख्तियार किए हुए हैं। पिछले 2 साल कोरोना काल में जो वैकेंसी नहीं आई है उसकी भी छूट गवर्नमेंट ने 2 साल बढ़ा दी है, क्योंकि 17.5 से 21 साल तक अगले जीरो की वैकेंसी थी, लेकिन 2 साल कोरोना की भर्ती ना आने के कारण में इसमें 2 साल एक्सटेंड करके 21 से 23 साल कर दिया गया है जी। बिल्कुल नितेंद्र सिंह जी, अगर बात किया जाए तो इस देश के युवा को 17.5 साल में कुछ काम करने का मौका दिया जा रहा है, साथ ही साथ 21 साल 11 लाख का रिटायरमेंट मिल रहा है, क्या गलत है इसमें? जसला जी, जी आप इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। सेना की भर्ती की उम्र पहले से भी वही है, 17 साल 18 साल का नौजवान ही सेना में भर्ती होता रहा है, इसमें कोई नई काम नहीं करने जा रहे हैं कि 18 साल के नौजवान को ये देश सेवा कर ले। लेकिन 21 साल तक जो 11 लाख का रिटायरमेंट भी तो मिल रहा है। अरे अरे मैडम जरा सुन लीजिए, ये हमारे नौजवान जो जाएंगे अग्निवीर इनकी स्थिति वही होगी जो पुलिस में होमगार्ड की होती है, और होमगार्ड से क्या काम करवाते हैं सेना पुलिस के लोग, ये आप समझती है इनके साथ ही कारण बड़ा व्यवहार होगा ये, और ये देश सेवा के प्रति जो समर्पण भाव होने की बजाय ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे और इससे देश की असुरक्षा की भावना असुरक्षा बढ़ जाएगी। ये जाएंगे तो वहाँ देश सेना सेवा के लिए पैकेज लेके आएंगे, 11 लाख का पैकेज मैं ठीक कह रहा हूँ, 4 साल ही सर्विस करेंगे, 11 लाख का पैकेज लेकर के आएंगे, लेकिन 11 लाख के पैकेज से ये आने वाले समय में क्या काम करेंगे आप समझ सकते हो? क्या जरूरत पड़ रही है मुझे ये नहीं समझ में।
रही हैं। लेकिन हर क्षेत्र में वरीयता भी तो दी जा रही है ना नितिन सिंह जी, हर क्षेत्र में वरीयता भी तो दी जाएगी ना इनको। मैडम जो स्थायी नौकरी के बाद आ रहे हैं उनको कितनी वरीयता दी जा रही है, दी जा रही धरातल पर समझ रहे हैं। ये तो रास्ते वो बार गार्ड होते हैं, किसी एक बार गार्ड होते हैं या पहली बात तो विपक्ष को सोच समझ के बोलना चाहिए। सैनिकों को लॉलीपॉप नाम देना, अग्निवीरों को लॉलीपॉप नाम देना, क्या ये सही है? दूसरी बात ये है कि देखिए कि पहले क्या था, साफ साफ कहना है कि चार सालों बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा। अब मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे 5-3 मिनट जवाब देने का मौका दीजिए, क्योंकि मैं दोनों तीनों एक्सपर्ट्स की और सबकी राय में सुन रहा हूँ। सब कीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए जरा 2 मिनट के लिए। देखिए क्या है जी, देखिए तिसला जी, कि देखिए विपक्ष हर एक अच्छी चीज को के लिए भी कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। अब विपक्ष बिना चीजों को समझे, अरे आपने विपक्ष के किस नेता ने किसी सेना प्रमुख से बात की? 3 सेनाएं हैं हमारी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो ऐसे में जो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इन्होंने बैठ करके, जो सेना के एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने, इस तरीके की योजना कोई मोदी जी ने नहीं तैयार की, राजनाथ सिंह जी ने नहीं तैयार की, अमित शाह जी ने नहीं तैयार की। ये योजना जो सेना के एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने इसको तैयार किया, सेना प्रमुखों ने इसको तरजीह दी है, और ये पूरी रूपरेखा सेना प्रमुखों की तैयार की हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसको ये कह रहे हैं कि उनके बाद में उनका क्या होगा, पहले 10,000 लोगों की प्रतिवर्ष भर्तियां होती थी। अगर 10,000 लोगों की भर्तियां होती थी, 10,000 लोगों को तो हम परमानेंट जॉब दे ही रहे हैं ना। अगर हम पहले से छट्टी करके निकाल दो उसमें से, अगर 40,000 लोग भर्ती हो रहे हैं, उन 40,000 में से 30,000 लोगों को छट्टी करके ऐसे ही निकाल दे, पहले से निकाल, तो उनको क्या मिलेगा? बीए करेंगे, हाईस्कूल करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बीए करने के बाद नौकरी की कौन सी गारंटी है? अगर इनकी एक स्किल डेवलप हो रही है, एक पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, एक अनुभव इनको मिल रहा है, साथ ही साथ सेवा के दौरान, सेना की सेवा के दौरान 20 से 25 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, और जब वो जो है अन्य क्षेत्रों में भेज जाएंगे उसमें उनके पास भी 11 से 12 लाख रुपए अतिरिक्त से सेवा निधि के रूप में दिया जाएगा उनको, वो पैकेज होगा पूरा। तो ऐसे में हमारे युवाओं के पास एक बड़ा मौका है, जिनको भर्ती किया ही नहीं जाता है, 30,000 लोगों को एज ए प्रशिक्षण देने के लिए ले रहे हैं कि वो अपनी सेवाओं में जा सके, और साथ ही साथ उनको मजबूत करने के लिए उनको सैलरी भी दे रहे हैं 30 से 40,000, और साथ ही साथ उनको रिटायरमेंट कहिए या उनको एक सेवानिधि पैकेज कहिए, उसमें भी हम 11 से 12 लाख रुपए दे रहे हैं। साथ ही साथ उसके अब तो सरकार ने ये भी कह दिया है कि 10% उनका कोटा रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। अरे हम लोग NCC करते थे अपनी पढ़ाई के दौरान, और हफ्ते में 3 दिन देते थे, हफ्ते में 3 दिन हम लोग परेड के लिए जाते थे, जब परेड करने जाते थे। लेकिन केसी जैन जी, एक सवाल जो है ये युवा का है, बेकार में एनसीसी किया जी, केसी जैन जी एक सवाल आम जनता का है, उससे बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है।
कोई भी स्किल डेवलपमेंट होता है उससे सीखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ तो आपको सैलरी दी जा रही है। बिल्कुल कैसे जैन जी, अगर कोई भी नियम कानून लाए जाते हैं तो हर किसी से हर किसी को शांतिपूर्ण विरोध और उसका समर्थन दोनों करने का अधिकार है। लेकिन जो अग्निपथ योजना है, मेरी बात सुनिए, जो युवा है, कई लोग है, उनका ये कहना है जो अग्निपथ योजना उसको लेकर इतनी जल्दी क्यों, समझने का मौका तो दीजिए, प्रचार प्रसार करिए, लोगों को समझने का मौका, देखिए सरकार को इतनी जल्दी क्यों है अग्निपथ योजना को लेकर। देखिए कोई जल्दी की बात नहीं है, ये योजना बहुत पहले से लॉन्च करने का विचार था। और फिर हम आपको एक बड़ी चीज बता रहे हैं, एक तो पहली बात तो जिसको विरोध करना है शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से करे। और एक चीज बताओ तिसला जी, देखिए इसमें क्या क्या है कि इसमें षड्यंत्र पूर्ण रूप से इसलिए दिखाई देता है, कोई भी भर्ती होने के बाद संविदा पे लोग 2-4-5 साल जब नौकरी कर चुके होते हैं, उनकी संविदा बढ़ती रहती है, फिर एक ग्रुप बन जाता है, फिर उनकी एक कमेटी बन जाती है, एक यूनियन बन जाती है, वो तो चलिए विरोध करती है, एक टाइम पे समझ में आता है, ये कम्युनिकेट कैसे हुए पूरे देश भर में, पूरे देश में हमें एक साथ संगठन कैसे बन गया, एक साथ कैसे लोग निकल आए, ये भी देखना पड़ेगा। और उसमें जवान उसमें कौन लोग थे, वो लोग थे जो इस क्राइटेरिया में आते नहीं है, जिनकी 17 से 21 साल है नहीं, 22 साल 23 साल है नहीं, 35 साल के लोग, 40 साल के लोग, 30 साल के लोग जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते, जिनका कोई इस क्राइटेरिया से लेना देना नहीं, उनकी संख्या इस तरीके के आंदोलनों में जिन्होंने रेल जलाई है, ट्रेनें जलाई हैं, पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, धरना प्रदर्शन किया है, उनकी संख्या 80 से 90% रही है, वो जवान जो 25 साल से लेकर के 40 साल के बीच में रहे, जो इस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, जब इस क्राइटेरिया में वो आते नहीं, उनकी भर्ती नहीं होनी, लेकिन उनके कैसी जैन मतलब जी, मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा जो हिंसा की तस्वीरें आई है वो बिहार से आई है, मुजफ्फरपुर तमाम जुड़े हुए एरिया से आई है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर, आखिर क्यों अपनी योजनाओं को समझाने में सफल नहीं हो पा रहे आप लोग, सवाल तो यही उठता है ना, क्यों सफल नहीं हो पा रहे। जी देखिए जी, टक्कर क्या है इसमें कि इसमें विरोध करने वाले जो नौजवान है उसमें भी उनकी भी संख्या है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य, ये अतिरिक्त लोग हैं, बाहर के लोग हैं जिनको इस भर्ती से कोई मतलब नहीं। कई सारे वीडियोस बाकायदा वायरल हो रहे हैं जिसमें कई सारे विकलांग लोग उसमें पत्थरबाजी कर रहे हैं, विकलांगों को तो सेना में भर्ती किया नहीं जाता है, वो फिजिकली फिट नहीं है, और जो फिजिकली फिट नहीं है वो तो सेना में भर्ती नहीं हो सकता है, वो क्यों लाठी डंडे चला रहा है, वो क्यों तीर फूंक रहा है, वो लंगड़ाते हुए जा रहा है लाठी लेकर के और वो पत्थरबाजी कर रहा है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि षड्यंत्र के तहत ये विरोध दिखाया जा रहा है, विरोध है अमेरिका में बिल्कुल नहीं, लेकिन जितना प्रतिशत विरोध है, अगर 5% विरोध है तो 95% इसको जो है प्री प्लांट करके इसको सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, इसका हर कोई विरोध में। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ही जिस तरीके से जवानों को चैनल पे बैठ के गुमराह कर रहे हैं, एक लाली पाप है, आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, अरे जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, इंटर पास करके कितने लोग बैठे हुए, ग्रेजुएशन करके कितने लोग बैठे हुए, तो क्या सबको नौकरी मिल जाती ग्रेजुएशन करने के बाद, नहीं मिल जाती है, तो वो तो घरों में बैठे हुए हैं ना, या अपना काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अगर 4 लोगों में से 1 लोगों को परमानेंट जॉब मिल रही है, फिर 3 लोगों को आगे अन्य सेवाओं में अवसर दिया जा रहा है, तो इसकी तो सराहना होनी चाहिए। नितेन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, अपना एक किसी जैन जी, तीनों सेना के प्रमुखों ने किसी जैन जी, नितेन सिंह जी को अपना पक्ष रखने दे, क्या कहेंगे आप इस पर, कहा जा रहा है कि विपक्ष बैठ के मीडिया में और युवाओं को भड़का रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर। जी जैन जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि नितेन जी गुमराह कर रहे हैं, चैनल में बैठ कर के लोगों को भड़का रहे हैं, मैं सिर्फ ही भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन नौजवानों का 4 साल बाद स्टेटस क्या होगा, ये क्या ये सर्विसमैन होंगे, इनको आप एक सर्विसमैन मानेंगे, क्या इनको मेडिकल सुविधा आप दे रहे हैं, क्या इनको आप कैंटीन सुविधा दे रहे हैं, इनको कहाँ ले जाकर के आप खड़ा करने वाले हैं। मेरा ये कहना है आज देश में 12 लाख सैनिक है, 12 लाख की हमारी देश की सेना है, और इसके बाद किस तरीके से आप प्रतिबद्ध और जो स्थायी सेना है। जी नितिन सिंह जी, इसका जवाब पहले ले ले फिर हम आगे। केसी जैन जी, क्या स्वास्थ्य सेवा जो तमाम तरह की सेवाएं है जो एक रिटायर्ड फौजी को मिलती है, क्या वो दी जाएगी? देखिए ये जो होंगे जो नौजवान भर्ती होंगे, इनको PBOR अंडर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, तो ये हमारे ऑफिसर्स रैंक में नहीं आते,
और दूसरी बात यह है कि देखिए इनको जो हमारे चार में से प्रति चार लोगों में से एक जवान जो परमानेंट रहेगा उसको तो वही सारी सुविधाएं मिल रही है ना। और फिर पहले तो 10,000 लोगों की भर्ती होती थी, तो 10,000 अगर हम 40,000 लोगों को ले रहे हैं, 10,000 को तो परमानेंट ले रहे हैं ना। आप ये चाहते हैं कि हम 10,000 ही भर्ती करें, बाकी 30,000 लोगों को ना कोई ट्रेनिंग दें ना कुछ करें, उनको ऐसे पड़ा रहने दें, आप यही चाह रहे हैं ना। विपक्ष का यही समस्या है ना कि अगर हम अतिरिक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके ऊपर 30-40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो 30-40 लाख रुपए जो उनको हम दे रहे हैं वो ना दे करके उनको पहले से खारिज कर दें। अरे उनकी एक स्किल डेवलप हो रही है, एक पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, उनको आगे तमाम सारी सेवाओं में जाने का अवसर मिला है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए विक्रांत पांडे जी, मैं उनके पास पहले जाऊं। विक्रांत पांडे जी, आपने सुनी पूरी कन्वर्सेशन की, जिस तरह से कहा जा रहा है कि रिटायर्ड होने के बाद क्या वो सारी सुविधाएं दी जाएगी, क्या एक कैडर, एक जो वरीयता मिलती है एक रिटायर्ड फौजी की, क्या वो दी जाएगी? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल उठ करके यह आता है कि अगर जवान जाते हैं, उनकी उम्र होती है, उसमें वो ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो किसी अच्छे पोस्ट के लिए, चाहे प्रदेश के पुलिस सर्विसेज हो कोई भी, उसमें तो आपको लगता है कि ट्रेनिंग के साथ साथ ये पॉसिबिलिटीज है कि वो अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर पाए, इतनी वरीयता उनको दी जाएगी? जी जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। जो लड़का 17.5 से 21 साल के बीच में भारतीय सेना का अंग बनेंगे टूर ऑफ ड्यूटी योजना के अंतर्गत, उनको वहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ स्टडी भी कराई गई। हाई स्कूल पास किया है तो उन्होंने वहां पर इंटरमीडिएट की ही परीक्षा पूरी करेंगे, साथ ही इग्नू के माध्यम से, और वहां से उनको जिस भी ट्रेड में जाएंगे उस ट्रेड का उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि हर क्षेत्र में कहीं भी पूरे भारत में किसी भी भर्ती परीक्षा में, चाहे प्राइवेट सेक्टर की है अथवा गवर्नमेंट सेक्टर की, अन्य सर्टिफिकेट की तरह वह जो है वैलिड होगा, जिसका उनको पूरे जीवन में लाभ मिलेगा। आप इस चीज को समझिए, जो कैंडिडेट 75% टूर ऑफ ड्यूटी 4 साल सर्विस करने के बाद बाहर आएंगे, हमारे देश की सरकार के पास उनको एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल समस्या नहीं है। उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में, इसमें राज्य पुलिस बल में और तमाम सरकार के अन्य विभाग में उनको वरीयता क्रम में देकर के स्थान दिया जाएगा, जहाँ वो जो है तभी सेट हो जाएंगे। इससे बल्कि देश को फायदा ये होगा कि हर विभाग में एक फौजी कल्चर व्याप्त होगा, जो कि 4 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने भारतीय सेना में सिखलाई के दौरान प्राप्त की है। जी। देखने वाली बात यह है सिविल विभाग उनको कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जी, ये हमारे देश की मजबूती का पर्याय बनेगी, इस चीज को आने वाला वक्त बताएगा। जी। वही बात शुरुआत की, किसी चीज की शुरुआत जो है धीमी होती है, उसमें कुछ विरोध भी होते हैं, कुछ जो है अनुरोध भी होते हैं। इस चीज को समझाने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसको किसी भी तरीके से समझा सकती है। जी बिल्कुल। विक्रांत जी, क्या जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, तमाम जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो तमाम तरह के फोर्सेस के ट्रेनिंग देते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो युवाओं को सही दिशा में गाइड करें? क्योंकि ये बात हमारे देश की है, हमारे देश के नौजवानों की है। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। अब जैसे हम लोग भी हैं, अपने लेवल पर बच्चों को सही चीज को डिलीवर करते हैं। जी। अगर उन चीजों को हम सही, जो चीज जिस रूप में है, अगर उस रूप में हम उसको ना बता सकते, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, तो एक देश का असंतोष का माहौल व्याप्त होगा, जो कि आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आएगा। बच्चों को इस चीज को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की सेना की स्ट्रेंथ को कहीं भी कम नहीं किया जा रहा है, स्ट्रेंथ उतनी रहेगी, वैकेंसीज उतनी ही आएंगी। बस फैसला यह है कि ये टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ये भर्ती की जा रही है, यहाँ से हमारे देश की सेना अपने आप 4 गुनी हो जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, रिजर्व पुलिस तो रिजर्व बल तो है ही है, लेकिन उसके तहत भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेंटर से ये अग्निवीर जब ट्रेनिंग लेकर के सिविल विभाग में आएंगे, ये हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। आप इस चीज को समझिए, और हमारे साथ में पैनल में उपस्थित मौजूद सभी सामान्य साथी, मैं समझता हूँ इस बात को वे भी अंतर्मन से समझ पा रहे होंगे, और इस चीज को वे जन सामान्य में अवश्य डिलीवर करेंगे। जी बिल्कुल। नितेन सिंह जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे कि जो 25% सेना है उनके बारे में अपना पक्ष रखे आप। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी और एजुकेशन जी से ये पूछ रहे हैं कि ये जो पहले से इन्होंने कहा कि हम जो भर्ती करेंगे उसका 75%
चार साल में रिटायर करेंगे, लेकिन 25% लोगों को स्थायी सर्विस आगे ले जाएंगे। तो ये जो आगे का कार्यकाल है उसका अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि एक्सटेंशन कितने साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 25 साल का है, उनको क्या प्रमोशन दिया जाएगा, इसका क्लियरिफिकेशन करवा दीजिए जी। केसी जैन जी, अभी जो उन्होंने सवाल पूछा नितेन सिंह जी की, जो आपने कहा कि 25% जिनको आप परमानेंट करेंगे या फिर उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या उसकी कंफर्मेशन कहा है, वो कहा उसकी कंफर्मेशन आप कब दे रहे हैं, इसकी श्योरिटी आप कब दे रहे हैं कि उन 25% जवानों को सेना में परमानेंट किया जाएगा? देखिए पिछला जी जो रिक्रूटमेंट ये निकला है जी, जो ये जगहें निकली, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इसकी सेवा शर्तें हैं और जिन लोगों को परमानेंट किया जाए, इन सारी डिटेल्स को उसमें रखा है। और देखिए विपक्ष स्वयं गुमराह है या गुमराह कर रहा है या अनजान बन रहा है, और जब सरकार ने स्पष्ट किया है कि और तीनों सेना प्रमुखों की राय के बाद उन्होंने एक जो प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप के अनुसार सरकार ने ये रिक्रूटमेंट निकाला है, और इसमें जो परमानेंट की बात अभी कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, और मैं विक्रांत जी की आवाज को सुन नहीं पाया दोनों बार में जो है कि उनकी क्या राय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथी जितेंद्र जी को मैं लगातार सुन रहा, अभी उन्होंने फिर से एक प्रश्न किया उसका क्या होगा, यानी कि जो परमानेंट होने वाले उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सिर्फ सवाल खड़ा करना आपका काम है? अरे जब सरकार ने कह दिया वो सारी चीजें वही होंगी, वो सेवा शर्तें वही होंगी जो पहले से परमानेंट लोगों को मिलती रही हैं। पहले 15 साल के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला जाता था, ऐसे में 4 साल की 5 साल की जो उनकी सर्विस होगी उसके बाद में आगे की जो सर्विस होगी वो पूरी की पूरी सर्विस उनसे ली जाएगी, और आगे जो प्रमोशन का सिस्टम है खास करके जो है सेनाओं में जो प्रमोशन का सिस्टम है, जब प्रमोट होते हैं तो उनको रिक्रूटमेंट के लिए उनकी एज बढ़ा दी जाती है, उनसे अतिरिक्त सेवाएं ली जाती है, रिटायर्ड कर दिया जाता है, जिनका प्रमोशन होता है वो आगे भी काम करते हैं। विक्रांत जी इस चीज को हमें लगता है आपको उनसे सवाल करेंगे, वो इस चीज को और अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। तो ऐसे में कभी 5 साल कभी 10 साल उनकी सेवाएं और ली जाती है, लेकिन परमानेंट का मतलब ये हो गया कि उनको वो सारे भत्ते सारे बोनस सारी सुविधाएं जो परमानेंट सैनिकों को मिलती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी, और जो उनको उसमें से वो ऑफिसर्स रैंक पे भी बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी जो 4 साल तक सेवा कार्य कर रहे हैं वो तो ऑफिसर्स रैंक पे नहीं, लेकिन उसके बाद में जो उनकी सेवाएं ली जाएंगी, और खास करके देखिए इनको टेक्निकल क्षेत्र में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि हाईस्कूल इंटर पास लोगों को लिया जा रहा है, तो टेक्निकल क्षेत्र में तो इनको नहीं भेजा जा सकता है जैसे ऑफिसर्स रैंक में और लोगों को लिया जाता है CDS NDA वगैरह के माध्यम से जिस प्रकार से लिया जाता है, लेकिन उनको ट्रेनिंग कर देने के बाद में वो अन्य ऑफिसर्स रैंक में भी जाएंगे और उनको पूरी सेवा पूरी की पूरी जो सेना की सेवा शर्तें हैं उसके अनुसार बोनस भत्ता रेलवे का जो पूरा उनका भाड़ा बिल्कुल मुक्त होता है, रहने का खाने का जो सुविधाएं हैं, घर वालों को जो है रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है, वो सारी सुविधाएं वही हैं जो एक सेना के परमानेंट जवान के लिए होती है। तो कम से कम उसके लिए तो गुमराह ना करें, वो जो 4 में से प्रत्येक सैनिक जो परमानेंट की हो रहा है उसको भी आप गुमराह कर रहे हैं कि बाद में आपके लिए भी शर्तें अलग हैं, जब सरकार ने कह दिया वो परमानेंट हो रहे हैं तो सारी शर्तें वही हैं, सारी सेवाएं वही हैं, सारे लाभ उनको वही हैं, पूरे के पूरे लाभ उनको वही मिलेंगे, उसमें भी आप गुमराह कर रहे हैं, क्या होंगे क्या नहीं होंगे आप स्पष्ट नहीं, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है आप भी जान रहे हैं स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ बन करके जो विपक्ष है या अनभिज्ञ बन करके अरे क्या होगा आपका आपका तो भविष्य बर्बाद हो रहा है, अरे जब पहले से सिस्टम है 10,000 लोगों को लिया जाता था, 10,000 लोगों की भर्ती होती थी, सरकार 40,000 लोगों को ले रही है, अगर 30,000 लोगों को सैलरी भी दे रहे हैं और उनको रिटायरमेंट के बाद 12,00,000 रुपए भी दे रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है, उनका व्यक्तित्व विकास भी हो रहा है, 10,000 उनका रिजर्वेशन हो रहा है, आपको आपत्ति किस बात की है? आप चाहते हैं उनको भर्ती लिया ही ना जाए, 30,000 तब भी ना लिया जाए उनको, आप ये चाहते हैं ना, क्या बात है? कौन करेगा क्राइटेरिया पे? आप गुमराह कर रहे हैं लगातार जवानों को, हम 30,000 लोगों को अतिरिक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए, और आप खुद गुमराह हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, करती रही है, ये गरीबों के मजदूरों के बच्चे होते हैं, कोई किसी क्या बात है सेठ के बच्चे नहीं होते, किसी IAS IPS के बच्चे नहीं होते, तो सेना में आप भी बनने जाएंगे, केवल आप भाषण देना जानते हैं बस,
पहले से किन लोगों की भर्तियां होती थी? पहले से किन लोगों की भर्तियां होती थी? सरकार गरीब लोगों को चुन करके भर्ती दे रही है। मैं से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि युवाओं के भविष्य की बात है, आपस में लड़ाई करने का वक्त नहीं है। ये हमें एकजुट होकर युवाओं के बारे में सोचने का वक्त है। एक युवा अपनी जिंदगी का पीक टाइम देता है सेना में, समर्पण के उम्मीद से जाता है, वो उस भावना से जाता है सेना में। हमें उनपे लड़ाई और उनपे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तिस्ला जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए जिस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं जवानों को, और इसमें जो आंदोलनकारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो आर्जनी कर रहे हैं, जिस भी नौजवान ने, जिस भी युवा ने सोच लिया हमें राष्ट्र सेवा करनी है, हमें देश की सेवा में जाना है, जो ये सोच के सेना में भर्ती होता है, कब सीमा पर जाना पड़े, कभी दो जाए, कब गोली खाना पड़े, कब देश के लिए वो शहीद हो जाए, और शहीद होने के बाद उसका परिवार भी गर्व महसूस करता है, पूरा राष्ट्र उसके ऊपर गर्व महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति पत्थरबाजी नहीं कर सकता, रेलवे में आग नहीं लगा सकता है। लेकिन ये विपक्ष के गुमराह करने से कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो गुमराह हो रहे हैं, लेकिन इसमें बाहर से भी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों की संख्या ऐसी है जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भर्ती में शामिल तक नहीं हो सकते हैं। इसमें जो वो विकलांग लोग भी शामिल है जो फिजिकली फिट नहीं है, वो क्यों आग लगाने आ रहे हैं रेलवे ट्रेन में? क्यों आग लगाने आ रहे हैं रेलवे ट्रेन में? लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, ट्रेनें जला दी जा रही है, अरे सरकारी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? शांति से विरोध प्रदर्शन करो। बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूँ, नौजवानों से अपील करता हूँ कि नौजवानों हौसला रखो और हौसले के साथ सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए। बिल्कुल, अगर उन्हें नई योजना पसंद है वो विरोध करे सरकार का, वो शांतिपूर्ण तरीके से करे, संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करिए, आप प्रदर्शन करिए, धरना करिए, लेकिन किसी भी तरीके की सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, किसी पब्लिक के व्यक्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। ये निश्चित रूप से आपके ऊपर जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके की अराजकता का माहौल हो। आपसे मैं नौजवानों से देश के शांति की अपील भी करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से भी अपील करता हूँ कि नौजवानों के दर्द को समझे और नौजवानों के साथ न्याय करे। और अभी एक वक्त आएगा, जैसे कि एक साल डेढ़ साल के बाद जब किसान सड़कों में था तो नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया और मैं क्षमा चाहता हूँ। एक वक्त आएगा किसान सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और फिर कहेंगे कि हम नौजवानों को समझा नहीं पाए, और मैं इस बात को वापस लेता हूँ। देखिए आप दोनों लोगों से, देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरी एक ही अपील है, राजनीति के चलते युवाओं को अपनी राजनीति की आग में आप लोग ना झोंके। नहीं विपक्ष, आप लोग अपना, देखिए मेरी बात सुनिए, अपनी राजनीति के लिए युवाओं को बीच में ना डालें कि वो जवाब दे पाए सरकार को, कह पाए कि आप किसानों को नहीं समझा पाए, आप नौजवानों को नहीं समझा पाए, इसीलिए विपक्ष आजादी करवा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग इसीलिए आजादी करवा रहे हैं नौजवानों को भेज करके, क्या सरकार के ऊपर दोष बढ़ने के लिए केवल, क्या ये जो पत्थरबाजी हो रही है, जो समय की कमी होने के कारण मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, माफ करिएगा। देखिए सबसे बड़ा मेरा आप सभी से यही अपील है कि सब, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आपको विरोध प्रदर्शन करना है, आप किसी चीज से सहमत नहीं, आपको पूरा अधिकार है, करिए, बट इस वक्त जो युवाओं के हालात है, आप सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो युवा आज रोड पर है, ये युवा आज सड़कों पर है, ये हमारे देश का भविष्य है। विक्रांत पांडे जी, आपने पूरी चर्चा को सुना, एक फाइनल कॉमेंट में आप इस पे आप सर चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी योजना को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विभिन्न संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए युवाओं के बीच में प्रसारित करने का प्रयास करें, और विभिन्न विपक्ष के दल भी उन चीजों को समझे और सही तरीके से बच्चों के बीच में प्रस्तुत करें। अगर कोई पॉइंट जो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा या बच्चों के भविष्य को लग रहा है कि चीज के संशोधन होना चाहिए, उस पर एक लोकतांत्रिक तरीके से बात करके उस समस्या का निदान करना चाहिए। फिलहाल मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो योजना आई है इसको प्रथम चरण में एक साल के लिए देखा जाए,
इसमें फिर अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 1992 में भारतीय सेना में महिलाओं की एंट्री शुरू की गई थी। पहले लड़कियों को 2 साल के लिए रखा गया था, फिर उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुश हैं? तो उनका जवाब था हाँ हम खुश हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीडबैक है, ऑर्गेनाइजेशन भी संतुष्ट था। फिर उनकी सर्विस को और आगे बढ़ाया गया। आज के आलम यह है हमारे देश की लड़कियां परमानेंट आर्मी में एज ए फाइटर कमांडो हर क्षेत्र में अपने आप को फिट करके आगे कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। तो किसी भी चीज को जो है शुरुआत में पूर्वाग्रह से होकर के नहीं देखना चाहिए। कहने का मतलब यह है इन चीजों को जो भी चीजें हो रही हैं इसको एब्जॉर्व करें, इसको समझें और देश के साथ रहें, क्योंकि इस योजना को बनाने वाले कोई ऐसे नहीं है। कई देशों की भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद जो है इस चीज को लागू किया गया। हमारी सेना ने इसको स्वीकार किया, उसके बाद देश की सरकार ने इसे लागू किया। जाहिर सी बात है कुछ अच्छाई बुराई इसमें हो सकती है जो कि समय के साथ अपने आप खत्म होगी। धन्यवाद जी, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इस योजना को लेकर सड़कों पर युवा नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तस्वीरें भयावह हैं, लेकिन हर किसी से यही इस वक्त की उम्मीद होनी चाहिए कि जिस योजना को समझाया जाए युवाओं को, अगर कहीं लगता है युवाओं को कि संशोधन की जरूरत है, उनके हित में नहीं है, तो शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं को भी बैठकर बात कर लेनी चाहिए। फिलहाल आज की चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।